नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। शादी का वचन देकर शारीरिक संपर्क रखा और बाद में शादी करने से इनकार करने पर लड़की ने बालचंदपुर थाने में दिया लिखित अभियोग। अभियोग पर थाने में मामला दर्ज है। पुलिस कार्रवाई करने से पहले प्रेमी फरार हो गया है। आइए जानते हैं क्या कहती है वो लड़की। नलीपुर गांव की लड़की अपने ही गांव के एक लड़का नान तफजुद्दीन खान का बेटा शादतपुर खान के विरुद्ध अभियोग किया है। अभियोग के अनुसार सादत खान लड़की के साथ प्रेम का नाटक करके शारीरिक संपर्क रख उसे गर्भवती कराया। लड़की ने इस बात का जिक्र करके शादी की बात कही, पर सादत खान ने की देकर शादी से इनकार कर दिया था। इसके बाद लड़की की भाई सादत के भाई को यह बात कहने पर सादत ने कुछ दिन की मोहलत मांगी, फिर धमकी देकर मना करने का अभियोग भी हुआ। हर ओर से निराश होने पर लड़की ने बालचंदपुर थाने में लिखित अभियोग किया। अभियोग के आधार पर पुलिस मामला दर्ज करके छानबीन कर रहे हैं। उधर प्रेमी फरार होने की अधिकारी विजयनी मल्ल ने सूचना दी। हम दोनों प्यार करते थे, बात करी 5 साल से, हम दोनों का प्यार करते थे, दोनों बात भी करी। उसके बाद में वो उसके घर में भी बोली, लेकिन उसका नाम सादत खान। कितने दिन हो गया प्यार करता था वो? 5 साल से प्यार करती ना। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में बोली, प्यार जब करते हैं जाके घर में बोली, तुम्हारे घर में, वो भी से जाके घर में ही बोली। उसके बाद उसके घर को भी लेके गई, उसके घर को भी गई थी, उसके घर में भी सब जानती ना, उसकी अम्मी के साथ ही, अब्बू के साथ ही, सबके साथ ही बात करी। उसकी भाभी भाई सब जानती ना, हम भी प्यार करती थे। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ अभी? मतलब प्यार करके मतलब ऐसा हुई, प्रेग्नेंट हो गई बोली, तो वो बोली मैं तेरी दवा ला के दूँगा, तेरे दवा ला के दे दो तो खा। मैं कि मैं दवा खाऊंगी, जब ऐसा हुई से हम दोनों शादी कर लेंगे। तो किस नहीं, मैं अभी शादी होंगे नहीं, तो दवा ला के दे दो, दवा खा। तो मैं खाई ने माना करी, वो उनसे कि तेरे पैसा जब दवा नहीं खाई, मैं तेरे जो फोटो वीडियो सब रखा हूँ वो नेट में छोड़ दूँगा, ये बात बोली। उसके लिए मैं यार कुछ ही कह नहीं, डर के दवा खाई। दवा खाने के बाद कुछ ही हुई नहीं, उसी रही उसके बाद में फिर मैं बोली तो उसके बाद में फिर वो किस मैं सब कुछ जानते नहीं, साइटों के सर फ़ोन करी थी, फ़ोन कही सुन। तो फिर हमारे घर में भाई भाभी सब आई, उसके बाद में मेरा सिर फिर घुमाई, डॉक्टर कर ले गई और रिपोर्ट में इतनी शीशा। और अब आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहती हूँ जैसे वो मेरी शादी हुआ है, शादी होना चाहती हूँ उसको। बालचंदपुर पुलिस स्टेशन। बालचंदपुर पुलिस स्टेशन अभी जो किया था? हाँ। क्या हुआ अभी? कुछ हुए नहीं, उसके बाद कुछ ही एक्शन हुई सुनी, बोली तो कुछ भी उनके करी नहीं। उसके बाद में डेली के 8 दिन 10 दिन ऐसे ही करके आके इतना 15 दिन अफ हो जावा, कुछ ही एक्शन लेंगे। फिर अभी आप क्या चाहती हैं? अभी मैं चाहती हूँ जा भी है जैसे आके शादी हुए। मेरा नाम शेख मंसूर अली है। क्या हुआ है? हम मेरी बहन के साथ में एक नाइंसाफी हुआ है। हमारे गांव का एक लड़का है, सादत खान है उसका। वो प्यार का नाटक करके शादी होने का बोल के, शादी का वादा करके, उसके साथ कुछ गलत करके अभी फरार हो गया। फिर आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिले। पुलिस स्टेशन हम लोग आए नहीं हैं, हम लोग गांव के तरफ से, गांव में हम लोग जैसे हमारे सरपंच जी हैं जिनसे हम लोग सलाह मशवरा किए थे। पुलिस स्टेशन में हम लोग एक छोटा सा कंप्लेंट दिए थे खाली, जो कि गांव के तरफ में बैठ के जैसे बात करके निमाशा हो जाए जैसा सलूशन निकालेंगे बोल के हुआ था, मगर उन लोग नहीं आए। लड़के वाले जो हैं थोड़ा पैसे वाले हैं, हम लोग गरीब हैं बोल के उन लोग सोचते हैं पैसे देके हम निकल जाएंगे। वो क्या बोलते हैं कि हमारा भाई नहीं है, करके कहाँ चला गया, तुम लोग ढूंढ लो, ज़्यादा बात मत करो, हम देख लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, ऐसे करके हमको डरा धमका के उन लोग 10 दिन से घूम रहे हैं। हमारे गांव के लोग अगर कुछ ना बूझे तो मजबूर होके हम लोग अभी आए हैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के लिए। हम देखेंगे मैडम हमारा क्या क्या करती हैं, मैडम हमको मदद करती हैं नहीं करती हैं हमको नहीं मालूम, हम अभी आए हैं कंप्लेंट करने के लिए। R9 भारत के लिए प्रदीप्त महाराणा की रिपोर्ट।
गंजाम जिला कोदला NAC अंतर्गत दंडेश्वर चौक पर स्थानीय महिला दलों ने शराब विरोधी अभियान शुरू किया है। पास के इलाकों में शराब की बिक्री चलने पर पुरुष नशा करके रात में घर आकर अशांति खड़ा करते हैं। आम आदमी रोजाना मजदूरी करके रात को शराब पीकर घर आने से परिवार में अभाव परेशानी दिखाई देती है। बार बार शराब बेचना बंद करने के लिए प्रशासन के पास अभियोग करने पर भी कोई फायदा न होने पर कोदला खरुना नुआसाही दंडेश्वर चौक खलीकोट रास्ता गोरजी साही के 100 की तादाद में महिलाओं ने इसका प्रतिवाद किया। इसे लेकर दंडेश्वर चौक पर शराबबंदी के लिए एक सूचना बोर्ड लगाकर जनसाधारण को सहयोग के लिए अपील किया है। अगर आगे के दिनों में भी यहां शराब बिक्री बंद ना की गई तो थाने के आगे महिलाएं धरने में बैठने के साथ रास्ता अवरोध करने की चेतावनी दी है। कौन आज आपण कार्यक्रम कह दंडेश्वर छक मद बंद रो मद पी दंडेश्वर छक नानंदी भाषा सब कहले से आम कार्यक्रम आरंभ कर कार्यक्रम जरिया कौन कर साई बासिंदा आम दंडेश्वर छक आम बंद रु मद अच्छा एठी के मद बिक्री चलती अभियोग अनुसार केते जगह मद बिक्री होती केते जगह बिक्री हुए केवल दंडेश्वर छक सब नानांदी भाषा कहीकि भाषा सब अभद्र भाषा सब चलते चाहते मद टोटाल बंद हो समस्त समस्त दाबी पत्र दाबी पत्र कर आज कौन निष्पत्ति निष्पत्ति अच्छी बोर्ड मारिकी आम समस्त साई बासिंदा कमेडी वाला समस्त एकजुट होकर बोर्ड मरा जब आगामी दिन में मद बेपार चले कौन कर राजरास्ता को ओल्लू आहरी आम दंड दबु कौन आज कार्यक्रम आज कार्यक्रम बोले आम कोदल विख्यात होती दंडेश्वर मंदिर अच्छी अच्छा दंडेश्वर मंदिर छक मदपान करके विभिन्न प्रकार भाषा व्यवहार करे आम बहु माँ मैंने मंदिर को जापार ना पिला स्कूल पाठ पढ़ा मत बहुत असुविधा होेणुक आम दंडेश्वर छक मद बंद बिक्री बंद कले बहुत भल हम आम ये दाबी करू अभोग कर दाबी आम कदला थाना अभियोग करूँ कदला तहसीलदार अभियोग करूँ कलेक्टर अभियोग करूँ आउ एसपी अभियोग कर कौन प्रतिश्रुति पाई नहीं आम तो किसी प्रस्तुति पाइनु जे बिक्री करा लगुच अच्छा आम शुणा पाचु पुलिस प्रशासन तरफ किसी देवार दु तीन दिन बाद पुलिस प्रशासन बहुत साय्य कर स्टाफ अच्छा कार्यक्रम किसी सफल न हुए पुणी आम आउ राजरास्ता को ले R9 भारत के लिए कृष्ण चंद्र पोलई की रिपोर्ट गंजाम छत्रपुर से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।